उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में नवीन सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण होना है, जिसको लेकर बुधवार के दिन जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बागली पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान नगरवासियों एवं खेल प्रेमियों द्वारा कलेक्टर से मांग की गई है कि भवन निर्माण में खेल मैदान भी प्रभावित हो रहा है, जिसे प्रभावित न करते हुए भवन का निर्माण किया जाए, क्योंकि बागली मुख्यालय पर एकमात्र इतना बड़ा मैदान है जहां पर सभी प्रकार के शासकीय, प्रशासनिक एवं अन्य बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस पर कलेक्टर गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि निर्माण एजेंसी व वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर पूरा प्रयास किया जाएगा कि भवन निर्माण के दौरान उक्त खेल मैदान प्रभावित न हो और भवन का निर्माण भी हो सके। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। सीएम राइज शासन की प्राथमिकता है, उसके अंतर्गत स्कूल्स को रिफर्बिश करके अच्छे बिल्डिंग्स, अच्छे स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पर सुविधाएं वो बनाना शासन का मुख्य उद्देश्य है। उसी के अंतर्गत जो यहाँ पर लेआउट दिया गया था उसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है कहीं ना कहीं उसको डैमेज हो रहा था, तो आज इस विषय पर चर्चा की गई है। तो लेआउट को किस प्रकार से इसी ग्राउंड में ऐसा चेंज किया जाए कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को भी डैमेज ना हो और साथ में ये ग्राउंड को भी हम किस तरह से कंजर्व कर लें कि आपका दोनों उद्देश्य की हमारी पूर्ति हो जाए, उसके लिए आर्किटेक्ट को बताया गया है कि इसके लिए नई ड्राइंग बना के प्रस्तुत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।